जो मानव चेतना सुपर कॉन्शियसनेस में जा रही है, हमारा सोलर सिस्टम एक ऐसी बेल्ट से गुजर रहा है, फोटोन बेल्ट कहते हैं, जिसमें हमारे थॉट्स मैनिफेस्टेशन आसानी से हो सकते हैं। पहले हम संकल्प करते थे, वो संकल्प मैनिफेस्ट होता था। योग निद्रा बिहार स्कूल ऑफ योगा में परमहंस सत्यानंद सरस्वती जी ने दी, उसमें भी वो अपने माइंड की एक्टिविटीज़ को कम करके योग निद्रा में कोई भी संकल्प डालते थे, वो संकल्प मैनिफेस्ट होता है। अब इससे भी फास्ट मेथड है जी, जो सारा ब्रह्मांड जो है क्वांटम फील्ड से बना है, आकाश के अंदर पार्टिकल हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारी चेतना के हिसाब से फॉर्म लेते हैं। आज का टॉपिक था कि हम लोग भटक जाते हैं, कैसे गुरु ढूंढें, कैसे टेक्निक ढूंढें। तो बहुत सरल मेडिटेशन हम मिलके कर सकते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन में जाएं, अपने अंदर जाएं, बेस्ट रास्ता जो मेरी चेतना के लिए है वो मेरे लिए प्रकट हो। इसको दो टू पॉइंट मेथड कहते हैं। टू पॉइंट से हम इंटेंगल करते हैं एक कॉन्शियसनेस को। तो हमारी एक वर्तमान की स्थिति है, इसी पहली बात तो एक मास्टर प्लान है, इस मास्टर प्लान के प्रति ट्रस्ट होना। एक पॉइंट कि जो बेस्ट पॉसिबल है, फास्टेस्ट तरीका है मेरे इवॉल्व होने के लिए, वो मेरे लिए प्रकट हो। ह्यूमन कॉन्शियस में हम सब लोग डिफरेंट हैं, कोई भी मेरे एक अंगूठा, एक स्क्वायर इंच का अंगूठा है 8 खरब लोगों को, मैं किसी दूसरे का ऐसा नहीं है। इससे पहले वाला कभी किसी के पास नहीं था, इसके बाद किसी के जैसा नहीं होगा। इसका मतलब हम सब इंडिविजुअल हैं, हम सब की जर्नी इंडिविजुअल है, हम इसीलिए हमारे गुरु या हमारे रास्ते अलग अलग हैं। तो हमने अपना एक पॉइंट पे कि मैं फास्टेस्ट ग्रो हो, जो मेरे लिए बेस्ट तरीका है वो मेरे लिए आ जाए, और एक सेकेंड पॉइंट हमने इसको फ्री छोड़ा, और इस इंटेंशन के साथ हम इन दोनों पॉइंट को इंटेंगल करते हैं। इन दोनों पॉइंट के बीच में जैसे ही हम ये महसूस करते हैं कि दोनों के बीच में कनेक्शन बन गया, एक फ्रीक्वेंसी की फील्ड है, इसको छोड़ देना। बस इतना सा अपने इसको डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। हीलिंग, स्पॉन्टेनियस हीलिंग हो सकती है, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट नहीं करती। तो कॉन्शियसनेस में समस्या है कि मैं बीमार हूँ, बीमार है तो मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, या घर में कोई और प्रॉब्लम है उसकी वजह से नहीं कर पा रहे, कोई भी प्रॉब्लम में, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, बेस्ट सोल्यूशन। इन दोनों को बीच में टच किया, छोड़ दिया, सोल्यूशन अपने आप आएगा। इसको आप डे टू डे प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ को आसान बनाएं, अपने क्रिएटर को, कि हम क्रिएटर हैं, अहम ब्रह्मास्मि जब हम कहते थे, यही हमारा एक आध्यात्मिक जर्नी का बहुत बड़ा गोल है, आखिरी अल्टीमेट ट्रूथ को जानना कि मैं क्रिएटर हूँ, अपने क्रिएटर के रोल को जानना, इस रोल के प्रति सजग होना। तो छोटी छोटी प्रैक्टिस से आप इसको करने का अभ्यास कर सकते हैं। तो आप इसका एक और बहुत बड़ा फायदा होता है कि हम विक्टिम रोल से बाहर निकल के अपने क्रिएटर के रोल के प्रति जानते हैं, तो हमारी जर्नी और फास्ट होती है। क्या आप चाहते हैं कि इसको हम एक बार मिल के करें? एक बार मिल के करें तो अच्छा लगेगा। ओके, यस, बोला कि एक सिरे पर हमारा प्रॉब्लम है उसको याद करें, उसको सोचें, और दूसरे सिरे पर हमें सोचना है कि इसका जो बेस्ट सोल्यूशन क्या है। ये ब्रह्मांड जो है ये रियल नहीं है, माया है, हमने इस माया के से बाहर निकलना है। और लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस इस माया को क्रिएट करती है, कॉन्शियसनेस अभी उस रेल पे। तो उस केस में हम अगर सॉल्यूशन अपने आप आए, बेस्ट सॉल्यूशन, क्योंकि माइंड की लिमिटेशंस हैं, राइट? माइंड जब लिमिट कर देता है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो कॉन्शियसनेस उसको एक्सेप्ट नहीं करती, इन दैट वे बेस्ट सॉल्यूशन आए। तो आप सभी लोग जो सुन रहे हैं, अपनी जो भी चीज़ बदलना चाहते हैं उसके बारे में सोच सकते हैं। एक चलिए थोड़ा सा और एग्जांपल बताता हूँ। ये टेक्निक मेरी गुरु बहुत यूज़ करती हैं इफेक्टिवली, और इंडिया में जैसा सिस्टम है जुडिशरी का आप सब जानते हैं। मेरी बहन का मकान किराए पे दिया था और किराएदार ने उस पर कब्जा कर लिया, एक तरह से सिंपल थी मेरी सिस्टर भी, कि किराएदार आता था, अभी किराया नहीं दे पाएंगे, कोई बात नहीं, अगले महीने दे देना। धीरे धीरे उन्होंने देखा, सिस्टर विडो हो गई, तो देखा कि इनके परिवार में कोई और भी करने वाला नहीं है, जबर लोग थे, तो वो कोर्ट केस चलने लगा। बेचारी पति नहीं, 2 बच्चों के साथ कोर्ट केस के धक्के खाती रही, और उसको डर भी लगता था कि ये मेरी बच्ची है, ये लोग परेशान ना करें। आम तौर पे मैं अपनी गुरु से नहीं कहता हूँ कुछ, लेकिन इस केस में मैंने कहा कि बहुत परेशान है, तो कुछ हो सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, बट द टचिंग पॉइंट इन दिस मेडिटेशन वाज कि मैंने तो सारी कहानी सुनाई कि वो गंदे लोग हैं किराएदार, और मेरी सिस्टर विक्टिम है। उन्होंने ये मेडिटेशन, यही 2 पॉइंट मेडिटेशन किया अपने आप, और कहा कि क्या हो कि जो ये किराएदार है उसको इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए रहने की,
वो अपने आप सोचे कि ये मेरे लायक नहीं है. दैट वॉज द ब्यूटी. और उस समय तो मुझे भी गुस्सा लगा कि क्या बेकार की बातें कर रही, इतना नीच और नालायक आदमी है और इसको इससे अच्छा मकान मिले. उन्होंने कहा तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम्हारी सिस्टर का मकान खाली होना और यह तुम्हारा कोई. यस आई सेड यस. विद दैट टीचिंग मेरे माइंड में बहुत हेल्प की. तो आप सबके लिए भी सोल्यूशन, ना कि हमारी इच्छा कि उसको बदला हो, ये मास्टर प्लान है. एक मास्टर प्लान है जो सबके लिए इम्प्लीमेंट हो. तो आप सब लोगों के पास, जिसके पास भी कोई समस्या हो उसके लिए कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है बहुत अच्छी बात है. तो वो कि आने वाले समय में मेरे इवोल्यूशन के लिए जो बेस्ट है वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आए. राइट. तो आंखें बंद करें, गहरी सांसें थोड़ा सा रिलैक्स होने में हेल्प करती हैं. और अगर हम रिदमिक सांसों के अभ्यास करें तो बहुत अच्छा है. जितने सेकंड में या मन में काउंट कर सकते हैं, 5 तक इनहेल, 5 तक उसको रोकना, 5 की काउंटिंग में ही एक्सहेल करना, 5 की काउंटिंग तक बाहर रोकना. शुरू में अभ्यास नहीं होता हमें रिदमिक ब्रीथिंग का, तो दिक्कत होती है. किसी को इनहेल करने के बाद दिक्कत होती है, किसी को बाहर रोकने में दिक्कत होती है, डिपेंडिंग अपॉन देयर सर्कमस्टेंसेस एंड देयर प्रैक्टिसेस. लेकिन हम इसको अभ्यास कर सकते हैं. तो इस समय हम सिर्फ सांसों पे, सांसों के प्रति अवेयर, इनहेल एक्सहेल. पूरा ब्रह्मांड जो है एटम से बना है. एटम में 99.9999 स्पेस है. छोटे से छोटी चीज में या बड़े से बड़े चीज में सेम पैटर्न है. 99.9999999% स्पेस है. अपने शरीर के प्रति सजग हों. सेल को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो पूरा यूनिवर्स है. जैसे हम हैं, इनकी लाइफ है, पैदा होते हैं, मेमोरी है, कॉन्शियसनेस है, मरते हैं, कंप्लीट लाइफ साइकिल है. अगर हम सेल को और बड़ा करके देखें, एटम है, कंप्लीट यूनिवर्स है. जितना भी हम अपने अंदर जाएं, कंप्लीट यूनिवर्स है, लाइफ. ऐसे ही हमारे शरीर के बाहर सारा कुछ जो है 99.99% स्पेस है. अंदर के स्पेस और बाहर के स्पेस, इन दोनों के बीच में है ये हमारी खाली बॉर्ड, जो हमारे शरीर का बॉर्डर है. इनके बीच में सिर्फ यही है. अदरवाइज घट के अंदर और घट के बाहर एक वही एनर्जीज है. दोनों के प्रति सजग हों. शरीर के अंदर, शरीर के बाहर वही एक एनर्जीज, सब कुछ उसी का प्रकटीकरण है. जब हम दोनों के प्रति एक साथ सजग होते हैं तो जो बॉडी के जो बाउंड्रीज हैं ये मेल्ट होने लगती हैं. अंदर और बाहर एक ही है, पतली थिन जो बाउंड्री है, जब ये डिसअपियर होती है, अंदर बाहर सब खत्म. पहली बार को हम डिसओरिएंटेड हो जाते हैं कि हम कहाँ हैं. ये क्वांटम फील्ड है. इस क्वांटम फील्ड में सिर्फ लाइट और एनर्जीज हैं स्पेस के अंदर. इसके प्रति सजग हों. अपने लेफ्ट हैंड में जो भी परिस्थिति है, जो बॉदर कर रही है या जिसको हम बदलना चाहते हैं, और नहीं तो मेरे बेस्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट हो, ये एक पॉइंट. सेकंड, हमारी हाथ में 2 फिंगर, इसमें सोल्यूशन. अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, इसका बेस्ट सोल्यूशन किस टाइम फ्रेम में जिसमें आपकी कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट करे. अदरवाइज आने वाले 6 महीने के बाद जब हम आप इस समय से देखें तो हमें अपने आप को आश्चर्य हो कि हमने कितना, हमारी कॉन्शियसनेस में कितना बड़ा जंप आया. हर परिस्थितियां जो हमारे लिए, हमारे इवोल्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट थी, अपने आप आती गई. लाइफ स्मूथ हुई. हम इसके प्रति सजग हों. दोनों
फिंगर्स को जब हम पास लाते हैं तो इसके बीच का जो फील्ड है, इस फील्ड को हम महसूस कर सकते हैं। दोनों हाथों को हिला सकते हैं थोड़ी सी उसके बीच की एनर्जी फील करने के लिए, फील करने के लिए, महसूस करने के लिए। जैसे ही इनके बीच में जो एनर्जीज की हम फील करते हैं, जस्ट लीव इट, फॉरगेट इट, इट हैज़ बीन क्रिएटेड इन टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स के पार्टिकल ऑटोमेटिक इसको हमारे लिए क्रिएट करेंगे। धीरे धीरे सजग होते हुए वापस अपनी चेतन अवस्था में वापस आ सकते हैं। जिसको टाइम चाहिए वो टाइम ले सकता है, अप टू यू। जैसे मैंने भी सोचा मेरे लिए बेस्ट स्पिरिचुअल पाथ में आगे जाने के लिए कौन सा रास्ता है, क्या क्या करना है मुझे, ऐसे जहाँ हमने दो हाथ रखे हैं अपने, है ना, थोड़ी सी दूरी पे रखे, तो उसमें क्या मैं देख रही हूँ कि ऐसा फील आ रहा है कि मेरे हाथ खुद ब खुद कुछ कुछ पीछे होते जा रहे हैं। सपोज मैंने एक सवा फुट की दूरी पे रखे थे, तो दोनों हाथों को मैं ऐसे महसूस कर रही हूँ जैसे मैंने एक डेढ़ फुट की दूरी पे रखे थे और आंखें बंद थी, तो मैं ये फुल फील कर रही हूँ कि मेरे दोनों हाथों में स्पेस बढ़ता जा रहा है अपने आप। एग्जैक्टली दोनों हाथ पीछे होता है, ऐसा होता है। यस